सो है बोड सब का आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जो है आपके चलान रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रही थी आप जो है चलान का पेमेंट कर रहे थे वहाँ पर जो है पेमेंट आपका फेल्ड हो रहा था वहाँ पर चलान की जगह आपके जो है पे नाउ का ऑप्शन नहीं आ रहा था वहाँ पर जो है आपको वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा था तो आज की इस वीडियो में आपको जो है आपकी जो है प्रॉब्लम है शॉर्ट आउट कर दूँगा इसको और ये आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम क्यों आती है क्या ये प्रॉब्लम इसलिए आती है जब आप जो है अपने चरान का पेमेंट फर्स्ट टाइम जब करते हो और उसको बीच में ही छोड़ देते हो किसी कारण से या बीच में ही आपका पेमेंट जो है रह जाता है और आप जो है दोबारा वहाँ पर जाते हो और अपना पेमेंट जो है करने की कोशिश करते हो तो वहाँ पर जो है आपका पेमेंट जो है वहाँ पर पेंडिंग में पहुँच जाता है और आपको जो है वहाँ पर पे नाव के ऑप्शन की, की जगह वहाँ पर एक वेरीफ़ाई का ऑप्शन आता है जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ तो गाइज़ आप मेरी बताई गई ट्रिक से जो है वहाँ पर वापसी से पे नाव का ऑप्शन ला सकते हो तो चलिए अब गाइज आपको ले चलता हूँ मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन पर तो और आपको जो है वहाँ पर मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ और गाइज इस वीडियो को भी स्टार्ट कर देते सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड तो चलिए गाइज चलते हैं फोन की स्क्रीन पर तो गाइज आप देख सकते हो मैं जो है अपने फ़ोन की स्क्रीन पर आ गया हूँ तो आपको सिंपली अपने फोन का डाटा ऑन कर लेना है उसके बाद आपको सिंपली अपने फोन का गूगल ब्राउजर ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको ई चलान लिख करके सर्च कर लेना है सर्च करने के बाद गाइस आपको जो पहली वाली वेबसाइट ओपन कर लेनी है तो यहाँ पर जो है मैं सिंपली पहली वाली वेबसाइट को जो है ओपन कर लेता हूँ ओपन करने के बाद गाइस आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो यहाँ पर आपको जो है ऐड को इसको क्रॉस कर देना है और उसके बाद यहाँ पर आप चलान डिटेल्स आप यहाँ पर चलान नंबर से जो है की डिटेल्स निकाल सकते हो और अपने बाइक के नंबर से और अपने डीएल के नंबर से यहाँ से सिंपली मैं जो है चलान नंबर पर ही सिलेक्ट रहने देता हूँ उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपली अपने चलान नंबर को डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आपको जो है कैप्चर फिल कर देना है तो यहाँ से मैं सिंपली यही वाला कैप्चर जो है यहाँ पर फिल कर देता हूँ तो उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर गैड डिटेल्स पर क्लिक करना है गैट डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको जो है नीचे की ओर स्कोर करना है स्कोर करने के बाद गाइस आपके सामने ऐसा इंटरफेस आता होगा आप देख लीजिए जहाँ पर यह पेमेंट वेरीफाई का ऑप्शन है यहाँ पर आपको पे नाउ का ऑप्शन आना चाहिए तभी आपका जो है चलान भरा जाएगा तभी आपका जो है पेमेंट हो पाएगा तो यहाँ पर सिंपली जो है मैं वेरीफ़ाई के ऊपर जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट इज फेलिड प्लीज ट्राई अगेन लेटर तो यहाँ पर मैं जो है ओके कर देता हूँ तो आपको क्या करना है यहाँ पर सिंपली एक स्क्रीन आपको इसका ले लेना है आप देख सकते हो जो है मैं एक स्क्रीन इसका ले लेता हूँ जो कि ये हमारा चलान का है यहाँ पर पे पेनाओ का ऑप्शन नहीं आ रहा मैं सिंपली एक बार वेरीफाई करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर सिंपली मैं इसका एक और स्क्रीन सूट ले लेता हूँ स्क्रीन सूट लेने के बाद सिंपली मैं जो है ओके okay पर क्लिक कर देता हूँ और सिंपली मैं बैक पर चला जाता हूँ बैक जाने के बाद सिंपली गाइस मैं जो है अपने फ़ोन की ईमेल खोल लेता हूँ ईमेल खोलने के बाद गाइस जो है ई को मैं खुलने देता हूँ और यहाँ से जो है आपको क्या करना है आपको एक मेल करनी है तो यहाँ पर जो है मैं एक मेल लिख देता हूँ तो गाइज आपको जो है ई मेल कहाँ पर करनी है उसके लिए मैं आपको बता दूँ आपको यहाँ पर टू मैं जो है आपको इसकी ई मेल आपको यहाँ पर शो हो रही होगी जो कि ई चलान परिवहन डॉट जी ओ वी डॉट इन है और इनका एक कॉन्टैक्ट नंबर भी है जो कि मैं आपको स्क्रीन पर फ्लैश करा रहा हूँ जो कि है जीरो वन टू जीरो टू फोर फाइव नाइन वन सेवन वन यहाँ पर सिंपली मैं सारी डिटेल्स भर के आपको दिखा देता हूँ आपको सिंपली का इस यहाँ पर जो है ई लिख देनी है जो कि मैंने आपको स्क्रीन पर फ्लैश कराई है और इस ई को जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है जैसी आप लैंग्वेज में जो है कम्फर्टेबल है वैसे लिख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्ट में आपको लिखना है इशू ऑफ पेना ऑप्शन और यहाँ पर जो है आपको नीचे लिख देना है सर मेरे चलान पर पे पेनाओ का ऑप्शन नहीं आ रहा है प्लीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए अगर आप हिंदी में जो है आप हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में भी लिख सकते हो अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो इंग्लिश में भी लिख सकते हो यहाँ पर आपको सिंपली अटैच के ऊपर क्लिक करना है यहाँ से आपको जो अटैच फाइल कर देनी है तो यहाँ से जो मैंने जो अभी स्क्रीन लिए थे मैं सिंपली उन स्क्रीन को जो है यहाँ पर अटैच करने वाला हूँ तो यहाँ से सिंपली मैंने जो है इन स्क्रीन को जो है इसमें अटैच कर दिया है आप देख सकते हो मैंने इसको जो है यहाँ पर अटैच कर दिया है आप देख सकते हो गाइज मैंने जो है इसको यहाँ पर अटैच कर दिया है उसके बाद मैं सिंपली इसको जो है सेंड कर दे दूँगा तो आप देख सकते हो जो है मैंने मेल सेंड कर दिया है यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो यहाँ पर जो है मेरी 24 फोर आवर्स बाद जो है मेरी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई हैं जैसे कि मैं यहाँ पर गेट डिटेल्स पे क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद गाइस जो है मैं यहाँ पर नीचे की ओर स्क्रॉल करता हूँ स्क्रॉल करने के बाद गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो गाइस यहाँ पर जो है मेरे पेमेंट जो है यहाँ पर जो है पेन आउट का ऑप्शन आ गया है तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पर पेन आउट का ऑप्शन ला सकते हो वेरीफाई का ऑप्शन हटा करके तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी और गाइज इससे पहले वीडियो मैंने आपको बताया था कि आप जो है ऑनलाइन चलान कैसे भर सकते हो उस वीडियो का लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा अगर गाइस आपको फिर भी कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा तो गाइस बस इस वीडियो में इतना था ही थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद बंदे मातरम